दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेस भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह के टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सराहा अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों का कुशल क्षेम पूछा व मरीजों को कंबल वितरित किए। इसके उपरांत उन्होंने डेडिकेटेड कोविड 19 केयर सेंटर के स्टाफ से कोविड संक्रमित मरीजों का कुशल क्षेम पूछा और अस्पताल में मौजूद सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कालाअंब की ओर से 4,50,000 रुपये की भेंट की गई एम्बुलेंस अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध करवाई गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उद्योगपतियों का आभार जताया, साथ ही कहा कि इस एम्बुलेंस सेवा से सराहा के अस्पताल के लगभग 40 से अधिक पंचायतों के लोगों को इसका लाभ पहुँचेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर फंड से लगभग 4,13,000 रुपये की लागत से अस्पताल परिसर में लगाए गए दो जनरेटर सेट का बटन दबाकर शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इन जनरेटरों की उपलब्धता से आपातकालीन स्थिति में बिजली की समस्या का समाधान हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो आइए जानते हैं पूरी बात, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने क्या कहा। आज जिला सिरमौर का ये और पछाद निर्वाचन क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, पुराना केंद्र है। आज यहाँ का विजिट जो है वो रखा है और इसमें जो यहाँ का अस्पताल है, जो पुरानी बिल्डिंग है, उसका भी हमने मुआयना किया है और वहाँ पेशेंट से भी हम मिले हैं। उसके साथ ही ये जो हमारा जो ये कोविड सेंटर यहाँ पर बना हुआ है, उसका भी बाहर से ही हमने मुआयना किया और जो चिकित्सकगण यहाँ पर जो सेवाएं दे रहे हैं और अन्य जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग जो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उनसे भी मैंने जो है वो बात की है और सारी जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उनको मैंने अपेक्षा के अनुरूप पाया है, सब बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ एक और नई चीज़ जो नया आयाम जो आज इस कार्यक्रम का जो हिस्सा था, कालाअंब इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है वहाँ के लोगों ने एक एम्बुलेंस जो है वो यहाँ स्थानीय लोगों के हेतु जो है वो उन्होंने डोनेट की है। आज उसको भी विधिवत रूप से जो है विभाग को हैंडओवर किया गया है और दो जेनसेट्स उनका भी शुभारंभ यहाँ पर हुआ है ताकि ये जो यहाँ जो नई बिल्डिंग बनी है, कितना भव्य जो है ये बिल्डिंग का निर्माण यहाँ पर हुआ है, भविष्य में कभी भी पावर शॉर्टेज के कारण से जो है कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए, इसलिए ये दो जेनसेट्स भी जो है यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। ये जो बिल्डिंग बनी है, कोविड ठीक है एक चुनौती के रूप में पूरे विश्व में उपस्थित हुआ है, लेकिन इस कोविड के चलते जो है अस्पतालों में नई व्यवस्थाएं भी जो है वो खड़ी हुई हैं। जैसे आपका ये मौजूदा जो बिल्डिंग जहां पर जिस परिसर में हम खड़े हैं, तो यहां पर पूरा ऑक्सीजन लाइन जो है वो पूरा मेंटेन जो है वो किया गया है, मैनिफोल्ड प्लांट जो है यहां पर लगा है, वेंटिलेटर्स जो है वो यहां पर आए हैं और जब कोविड जो है चला जाएगा, जाना ही है एक दिन, और उसके बाद जो है ये सब सुविधाएं सामान्य लोगों को जो है यहाँ पर मिलेंगी। इसके अतिरिक्त और भी जो स्वास्थ्य सेवा संबंधी जो समस्याएं यहाँ पर जिनका जिक्र आज मेरी इस विजिट के दौरान हुआ है, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ पछाद की जनता को और हमारी विधायिका यहाँ हमारे साथ खड़ी हैं, सम्माननीय हमारे MP महोदय और हमारे चेयरमैन भंडारी जी, जो भी जैसी अपेक्षाएँ लोगों की हैं सरकार से और विभाग से, उन अपेक्षाओं को हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास है।